Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 3rd, Chapter 4, Long and Short, Part 4. प्रीवियस पार्ट में बच्चों हमने टेक्स्ट बुक का पूरा पार्ट समझ लिया था. आई होप यू डन होमवर्क इन योर नोटबुक. अभी पार्ट 4 में हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे. ये वर्कशीट आपको मैं कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी ये इस वीडियो में. और इस वीडियो के साथ आपको वर्कशीट की पीडीएफ भी मिलेंगी. वो पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके भी लिख उस पर लिख सकते हो. अदरवाइज वो वर्कशीट आप आपके नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हो, है ना बच्चों. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. फोर्थ पार्ट में अभी हम देखेंगे वर्कशीट. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी यहाँ पे आप लोगों को फ्रेम दी हुई है, फोटो फ्रेम है. तो मैं यहाँ पे हैंड स्पैन का सिंबल दिया हुआ है ना. तो कितने हैंड स्पैन लॉन्ग है. द पिक्चर फ्रेम इज अबाउट डैश डैश हैंड स्पैन लॉन्ग. तो कितने हैं बच्चों, काउंट करो. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो यहाँ पे लिखना है 6 हैंड स्पैन, है ना. उस हिसाब से आपको ये वाले आगे वाले एग्जाम्पल करने हैं. जैसे कि दी बिग फिश इज अबाउट स्मॉल डैश डैश स्मॉल फिशेस लॉन्ग. ये बिग फिश है तो ये कितने स्मॉल फिशेस मिला के ये बिग फिश होगी वो आपको लिखना है. द बुक इज अबाउट डैश डैश इरेजर लॉन्ग. यहाँ पे इरेजर दिए हुए हैं उसको काउंट करो. दैट मीन्स आपको बुक की लॉन्ग यानी कितना लॉन्ग है वो पता चलेगा. फिर द टॉय ट्रेन इज अबाउट डैश डैश टॉय कार. ये टॉय ट्रेन है तो ये टॉय कितने कार्स हुई, जितने टॉय कार्स है उतने मिला के ये टॉय ट्रेन हुई. टेबल है. द टेबल इज अबाउट डैश डैश बुक लॉन्ग. बुक यहाँ पे दिया है उसको काउंट करो और उतना लॉन्ग टेबल है. दी सोफा इज अबाउट डैश डैश क्यूबिट लॉन्ग, है ना. तो कितने क्यूबिट लॉन्ग है वो यहाँ पे पता चलेगा. सेकेंड असाइनमेंट यहाँ पे स्केल दी हुई है ना. आपको यहाँ पे स्केल भी ड्रॉ करके दी है. आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का लेंथ और विड्थ इतना लिखना है कि कितनी सेंटीमीटर का है. राइट द मेजर्स ऑफ लेंथ और विड्थ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. माय थंब इज अबाउट डैश डैश सेंटीमीटर लॉन्ग. वो आपको मैंने बोला था ना बॉडी मेजरमेंट करना है, वो मेजरमेंट करके यहाँ पे लिखना है. माय रिस्ट इज अबाउट डैश डैश सेंटीमीटर लॉन्ग. माय हैंड स्पैन इज अबाउट डैश डैश सेंटीमीटर लॉन्ग. माय फिंगर टिप इज अबाउट डैश डैश सेंटीमीटर वाइड, है ना. अभी फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग मीटर रॉड एज शोन इन फिगर. यहाँ पे मीटर रॉड बताया हुआ है बच्चों. 1 मीटर का मीटर रॉड है तो उस हिसाब से आपको ऑब्जेक्ट कितने मीटर लॉन्ग है ये आपको बताना है, है ना. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग. ओके, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन के आंसर मिलना है. हाउ फार इज द बॉल फ्रॉम द लाइट. हाउ फार इज द बॉल फ्रॉम द गर्ल, है ना. तो गर्ल से बॉल कितना दूर है वो आपको बताना है. वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द बॉल.
डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड बॉल का कितना डिस्टेंस है वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ फार इज द गर्ल फ्रॉम द पोल, पोल से गर्ल का डिस्टेंस कितना है। विच इज नियरर टू द गर्ल, कौन सी चीज गर्ल के पास में है। ओके नेक्स्ट, लेंथ ऑफ विच ऑफ दिस सेंटीमीटर और विल बी इन मीटर। अभी यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स दी हुई है तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में, वो आपको लिखना है। करेक्ट द राइट टिक, है ना, टिक राइट मार्क करेक्ट द आंसर। स्टैंडर्ड यूनिट विद द लेंथ, वो कौन सा है, मीटर है या हैंड स्पैन है, वो टिक मार्क करना है। द स्मॉलर यूनिट ऑफ द लेंथ इज सेंटीमीटर और मीटर, वो बताना है। कन्वर्ट द मीटर्स टू सेंटीमीटर, वी मल्टीप्लाई 10 और 100, यस, मीटर रॉड इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल और क्लोथ्स। मीटर रॉड कहाँ पे होता है, मेजरमेंट ऑफ पेंसिल के लिए करते हैं या क्लोथ्स के लिए करते हैं। फिर 3 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, वो आपको बताना है। क्यूब इज डैश डैश स्टैंडर्ड और क्यूबिट इज स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यस, राइट डाउन। द लेंथ ऑफ द स्केल यूज बाय द स्टूडेंट इन ज्योमेट्री बॉक्स इज कितनी होती है, ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। अभी यहाँ पे ट्रिप टू आगरा, जैसे कि मैरी एंड बैचम आर गोइंग टू आगरा बाय कार विद देयर फैमिली, बोथ आर लुकिंग एट टू पैकेट्स, रोड मैप, Map 1 एंड Map 2 फॉर रूट दिल्ली टू आगरा। यहाँ पे बच्चों आपको मैप दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है दिल्ली टू आगरा, वो कैसे गए हैं, है ना। तो दो मैप को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ओके दिस इज योर वर्कशीट, सो आपको ये खुद से एक्सरसाइज करनी है और कोई भी डाउट आया तो मुझे पूछना है। ओके अभी ये एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है मीटर एंड सेंटीमीटर के, यहाँ पे 1-1 एग्जांपल आपको करके दिखाया है, उस हिसाब के आपको बाकी के एग्जांपल करने हैं। यहाँ पे थोड़े स्टोरी सम भी हैं, वो आपको खुद से करने हैं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि दिया परचेज 3 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ्स, दिया ने कितना परचेज किया है, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ्स, एंड हर टेलर वुड नीड 6 मीटर 85 सेंटीमीटर क्लोथ्स। अभी उसने परचेस कितना किया, तो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ्स, बट उसको ज़रूरत कितनी है, तो 6 मीटर 85 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच क्लोथ्स इज शॉर्ट ऑफ, तो उसको कितना कपड़ा कम हुआ, तो क्या करेंगे बच्चों, यस, पहले तो आपने क्या लिखना है, मीटर एंड सेंटीमीटर, और फिर कपड़ा कितना चाहिए था, 6 मीटर 85 सेंटीमीटर,
और उसमें से 3 मीटर 75 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो कितना क्लोथ इज शॉर्ट ये आपको मिलेगा, उसको कितना कपड़ा कम गिरा। ओके, नेक्स्ट, दी हाइट ऑफ द न्यू बेबी बॉर्न इज 47 सेंटीमीटर। द बेबी ग्रू 5 सेंटीमीटर इन 1 मंथ, तो वॉट इज दी हाइट ऑफ द बेबी आफ्टर 1 मंथ। हर एक मंथ, अभी बेबी का हाइट कितना है, 47, हर एक मंथ में वो 5 5 सेंटीमीटर से ग्रोथ होता है, तो 47 प्लस 5 ये करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। अ रोल ऑफ पैकिंग फॉइल इज 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। 1 मीटर 12 सेंटीमीटर हैज़ बीन यूज फ्रॉम ईट। वॉट लेफ्ट ऑफ द फॉइल, वॉट लेंथ ऑफ द फॉइल इज लेफ्ट, है ना? तो रोल कितने हैं, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, है ना? उसमें से कितना यूज हुआ, 1 मीटर 12 सेंटीमीटर इतना यूज हुआ, तो कितना बचा है, यस माइनस करना है। गौरी ट्रेवल 236 किलोमीटर। गौरी कितना ट्रैवल करती है, 236 किलोमीटर, एंड शी हैज़ टू ट्रैवल 345 किलोमीटर, 567 मीटर मोर। उसने ट्रैवल कितना कर दिया है, तो 236, एंड कितना करना है, तो 345 किलोमीटर एंड 567 मीटर, है ना? मोर, हाउ मच टोटल डिस्टेंस, हाउ मच टोटल डिस्टेंस डज शी हैव टू ट्रैवल। तो टोटल मिला के उसको कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है वो निकालना है यहाँ पे बच्चों। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिशन करना है मीटर एंड सेंटीमीटर का। ओके, अभी पांचवा एग्जांपल देखते हैं। दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 345 मीटर 98 सेंटीमीटर। इफ मंकी हैज क्लाइम अप टू 134 मीटर एंड 33 सेंटीमीटर, व्हाट द डिस्टेंस डज ही हैव टू क्लाइम मोर टू रीच टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मंकी ने आधा रास्ता कट लिया है बिल्डिंग का और उसको यहाँ पे टॉप पे पहुँचना है, तो उसको कितना डिस्टेंस काटना पड़ेगा। यस, टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है, मीटर एंड सेंटीमीटर, 345 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर। उसमें से उसने कितना क्लाइम किया, 134 33 सेंटीमीटर इतना उसने क्लाइम किया, तो ये माइनस करेंगे तो बचा हुआ और कितना रास्ता काटना है वो हमको पार्ट मिलेगा। रेनू बॉट कर्टन क्लोथ्स विच वॉज 55 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर इन लेंथ। शी नीडेड ओनली 34 मीटर 20 सेंटीमीटर लेंथ। हाउ मच क्लोथ्स वॉज नॉट यूज। ओके, अभी रेनू ने कितना कपड़ा लिया है, यस मीटर एंड सेंटीमीटर, 55 मीटर एंड 32 सेंटीमीटर। उसमें से उसको कितना चाहिए है, 34 मीटर 20 सेंटीमीटर। अगर ये माइनस किया तो हमको कितना कपड़ा नॉट यूज है इतना मिलेगा, है ना?
जो उसके काम का नहीं है वो हमको मिलेगा। यहाँ पे हमारी वर्कशीट की एक्सरसाइज ख़त्म होती है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।